Hello dear students, how are you? I hope you are fine. You are most welcome in online classes Divine Public Senior Secondary School Maharaj Ganj. Students, this is Andrakshar and today we are going to start the first chapter of economics and that is people as resource. Students, before starting this chapter, we should understand the definition of resource.

यानी किसी भी देश की जनसंख्या दायित्व से ज़्यादा संपत्ति के रूप में होती है पीपल ए रिसोर्स रेफर्स टू ए कंट्री वर्किंग पीपल इन टर्म्स ऑफ देयर एग्जिस्टिंग प्रोडक्टिव स्किल एंड एबिलिटीज यानी संसाधन के रूप में लोग वर्तमान उत्पादन कौशल और क्षमताओं के संदर्भ में किसी देश के कार्यरत लोगों का वर्णन करने का एक तरीका है वेन एक्जिस्टिंग ह्यूमन रिसोर्स इज डेवलप बाई बी कमिंग एजुकेटेड एंड हेल्दी इट टर्न्स इंटू ह्यूमेन कैपिटल यानि मानव संसाधन को जब शिक्षा और स्वास्थ्य के रूप में जब हम विकसित करते हैं तो उसको हम लोग मानव पूँजी के नाम से जानते हैं ह्यूमन कैपिटल इज सुपीरियर टू अदर रिसोर्सेज लाइक लैंड एंड फिजिकल कैपिटल एज इट यूजेज दिज कैपिटल एंड एड्स वैल्यू टू दैम यानी मानो जो पूँजी होता है वो जमीन और भौतिक दोनों पूँजी से सर्वोच्च माना जाता है क्योंकि यही सारे पूंजी को आगे बढ़ाता है इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल वाई एजुकेशन एंड मेडिकल केयर कैन गिव हाई रिटर्न इन द फ्यूचर कंट्री लाइक जापान हैव इन्वेस्टेड ए लॉ टू ह्यूमन रिसोर्स दे डू नॉट हैव रिच नेचुरल रिसोर्स बट स्टिल दे आर कॉल्ड डेवलप नेशन यानी जब शिक्षा प्रशिक्षण और चिकित्सा सेवाओं में निवेश किया जाता है तो वही जनसंख्या मानव पूँजी में बदल जाती है वास्तव में मानव पूँजी कौशल और उनमें निहित उत्पादन के ज्ञान का भंडार है हम एग्जांपल लेते हैं जापान देश का जापान अपने सारे जनसंख्या को ह्यूमन रिसोर्स में के तरह समझता है दे डू नॉट हैव रिच नेचुरल रिसोर्सेज यानी जापान में वहाँ पर किसी प्रकार का कोई प्राकृतिक संसाधन नहीं है बट स्टिल दे आर कॉल्ड डेवलप्ड नेशन लेकिन तब भी फिर भी वो एक विकसित देश है क्योंकि वहाँ के सारे लोग अपने आप में एक प्रोडक्ट प्रोडक्शन का काम करते हैं इसी नाते वहाँ लोग जनसंख्या संसाधन के रूप में जाने जाते हैं ह्यूमन beings परफॉर्म मेनी एक्टिविटी विच कैन बी grouped into economic and एंड नॉन एकनॉमिक मानव जात के द्वारा इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक दोनों प्रकार के क्रियाकलापों को किया जाता है तो स्टूडेंट्स फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी एक्नॉमिक एक्टिविटी रेफर्स टू दोज एक्टिविटी ऑफ मैन विच आर अंडरटेकन फॉर ए मॉनिट्री गेन और टू सेटिस्फाई हर वीज ऑफ वर्कर्स फार्मर्सकीपर्स मैनुफैक्चर लायर्स टैक्सी ड्राइवर्स एटसेक्ट्रा अंडर दिस कैटेगरी ओके स्टूडेंट एक्नॉमिक एक्टिविटी को हम लोग समझते हैं डिफरेंट पीपल वर्क इन डिफरेंट फील्ड यानी विभिन्न प्रकार के लोग विभिन्न प्रकार के जगहों पर काम करते हैं पीपल गो टू फार्मस कुछ लोग खेतों में काम करते हैं फैक्ट्री में काम करते हैं बैंक में काम करते हैं हॉस्पिटल में काम करते हैं स्कूल में काम करते हैं ऑल दिस एक्टिविटी दैट गिव इनकम टू द पीपल आर कॉल एक्नॉमिक एक्टिविटी यानी वो सारे क्रियाकलाप जिसके द्वारा लोगों का लोगों को एक आय मिले लोगों का इनकम हो उसको हम लोग एक्नॉमिक एक्टिविटी के रूप में जानते हैं

फ्राम यू टू द शॉपकीपर दुकानदार आपको गुड्स देता है यानी सामान देता है और आप गुड्स के बदले में पैसे को देते हैं अब कुछ और एग्जाम्पल हम देखेंगे एक्नॉमिक एक्टिविटी के बारे में जैसे पहला है ए टीचर टीचिंग इन ए क्लास एक अध्यापक जो कक्षा में पढ़ाता है वो भी एक तरीके से एक्नॉमिक एक्टिविटी के रूप में होता है सेकेंड है ए मैन और विमेन वर्किंग इन ए बैंक एक व्यक्ति एक इन, आ, मतलब आदमी या महिला कोई भी बैंक में जो काम करते हैं वो भी एक्नॉमिक एक्टिविटी में आ जाता है तीसरा है ए फार्मर प्लगिंग हेज फील्ड एक किसान अपने खेत में काम करता है वो भी एक तरीके से एकनॉमिक एक्टिविटी का एग्जाम्पल है फोर है ए वर्क वर्किंग इन ए माइन एक मजदूर जो खानों में काम करता है चाहे वो किसी प्रकार का खान हो गया कोयले का खान हो सकता है आयरन ओर का खान हो सकता है डायमंड का खान खान हो सकता है ओके okay, स्टूडेंट्स ये तो रहा इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को हम लोग मार्केट एक्टिविटी के रूप में भी जानते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आर आल्सो कॉल्ड एज मार्केट एक्टिविटीज़ नॉन मार्केट एक्टिविटीज़ और प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजप्शन ओके स्टूडेंट थोड़ा सा हम लोग जानेंगे नॉन एक्टिविटीज़ के नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के बारे में नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आर वंस दैट आर नॉट अंडरटेकन फॉर एनी मॉनिट्री गेन दिस आर ऑल्सो कॉल्ड अनपेड एक्टिविटीज दैट इज़ पूजा पाठ हाउस कीपिंग हेल्पिंग द पुअर और डिसेबल एट्सक्ट्रा यानि थोड़ा सा हम और अच्छे से देखेंगे इसको द एक्टिविटी विच डो नॉट गिव इनकम इन रिटर्न और नॉन एक्नॉमिक एक्टिविटी यानी हर वो एक्टिविटी जिसके द्वारा कोई इनकम ना होता हो उसको हम लोग नॉन एक्नॉमिक एक्टिविटी के रूप में जानते हैं दे ऑल्सो डो नॉट कंट्रीब्यूट टू द फ्लो ऑफ गुड्स एंड द सर्विस इन द एकनॉमिक यानी अर्थव्यवस्था में कोई ना तो चीज़ों का ना सेवाओं का कोई फ्लोटेशन होता है दिज आर ऑल्सो नोन एज नॉन मार्केट एक्टिविटी जिस तरह हम लोग एक्नॉमिक एक्टिविटी को मार्केटिंग एक्टिविटी के रूप में जानते हैं उसी तरह हम लोग नॉन एक्नॉमिक एक्टिविटी को नॉन मार्केट एक्टिविटी के रूप में जानते हैं एज दीज आर परफॉर्म फॉर सेल्फ कंजप्शन नाउ थोड़ा सा एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे एग्जाम्पल ऑफ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ पहला है टीचिंग बाय फादर टू हिज सन एट होम यानी कोई अध्यापक है जो अपने घर में अपने बच्चों को पढ़ाता है पढ़ाता तो अपने बच्चों को को है लेकिन वहाँ पर कोई इकोनॉमिक एक्टिविटीज नहीं हो रही है सेकंड है डोमेस्टिक वर्क्स बाय द हाउसवाइफ यानी घर में जो महिलाएं अपने घर का काम करती हैं उससे भी कोई इनकम नहीं हो रहा इस नाते वो भी एक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी का एग्जाम्पल है तीसरा है वॉशिंग ऑफ फादर्स कार बाय द सन यानी पिता के गाड़ी को पुत्र के द्वारा धोया जाना ये भी एक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी का एग्जाम्पल है चौथा है स्कॉलरशिप टू ए स्टूडेंट यानी बच्चों को स्कॉलरशिप यानी छात्रवृत्ति को देना वहाँ पर भी कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं दिख रही है इसी नाते इसको नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी के रूप में जाना जाता है ओके okay, स्टूडेंट्स आज हम लोगों ने पीपल एंड रिसोर्स के बारे में इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के बारे में मार्केट एक्टिविटीज़ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ एंड नॉन मार्केट एक्टिविटीज़ के बारे में हम लोगों ने जाना नाउ अब हम लोग इसके बाद का जो टॉपिक है नेक्स्ट वीडियो में उसको हम लोग एक्सप्लेन करेंगे ओके स्टूडेंट्स थैंक यू